हरचली से बड़ी करारी राजधानी रायपुर से, जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 240 स्कूलों की मान्यता खत्म करने की अनुशंसा की है। 140 नोडल प्राचार्यों का वेतन भी रोका गया है। तो ये बड़ी खबर है, सीधे आपको, जिला शिक्षा अधिकारी ने 240 स्कूलों की मान्यता खत्म करने की अनुशंसा की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने 140 नोडल प्राचार्यों का वेतन भी रोकने की कार्रवाई की है। जानकारी ये भी मिल रही है कि प्राचार्यों पर पालक शिक्षक संघ बनाने में लापरवाही का आरोप भी है। वही फीस नियंत्रण में लापरवाही बरतने का प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। तो ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 240 स्कूलों की मान्यता खत्म करने की अनुशंसा की है, जिसमें 140 नोडल प्राचार्यों का भी वेतन रोका गया है। जानकारी के मुताबिक प्राचार्यों पर पालक शिक्षक संघ बनाने में लापरवाही का आरोप है। वही फीस नियंत्रण में लापरवाही बरतने पर भी प्राचार्यों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो बड़ी कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। जिला शिक्षा अधिकारी ने 240 स्कूलों की मान्यता खत्म करने की अनुशंसा की है। नहीं, संवैधानिक असंवैधानिक का निर्णय कौन क्यों कर रहे हैं? पहला तो यही है कि स्कूल खोले हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनका अधिकार तो बनता है स्कूल के फीस का निर्धारण करने का, फीस समिति गठन करने का। बिना फीस समिति गठन करने के किए हुए आप स्कूल में एडमिशन भी ले रहे हैं, स्कूल का एडमिशन ले रहे हैं तो बच्चों से फीस तो लोगे या भागों से फीस तो लोगे, तो बिना फीस निर्धारण किए, बिना फीस निर्धारित हुए आपने फीस कैसे ले रहे हैं? तो इनके कारण से यह कठोर कदम उठाना पड़ा है। और निश्चित रूप से ये अब जो 4 माह उनका समय दिया गया, 4 महीने बहुत होता है, और 4 माह के भीतर अगर किसी के द्वारा नहीं किया जाना, नहीं सहयोग दिया जाना, तो ये तो मेरे कमजोरी कहलाएगी या उनके लापरवाही कहलाएगी। तो स्वाभाविक तौर पर यह प्रक्रिया तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। स्कूल संचालित हो रहे हैं, बच्चों के लिए संचालित हो रहे हैं, अभिभावक के इसमें ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। तो ऐसी दशा में अगले साल 17 के लिए अगर फीस निर्धारित किया जाना है तो स्वाभाविक तौर पर फीस तो निर्धारित कर लें, और इसके लिए जो प्रारंभिक प्रक्रिया उसे पूरा तो कर लें। प्रारंभिक प्रक्रिया पूरा उनके द्वारा नहीं की गई, इसके कारण से ये कार्रवाई की जा रही है। अभी मुलाकात नहीं, आदेश उस प्रकार की, वो तो उनकी मांग है, मांग को हम परीक्षण करेंगे कि उनको कि संशोधन किया जाए, निरस्त किया जाए, परीक्षण करके देखते वाले कि वास्तविक में नियम में आ रही कि नहीं आ रही है। वो उनकी मांग है, उनकी अपनी सोच है, और उस सोच के अनुसार से हम चलेंगे, लेकिन हम नियमों के अनुसार चलेंगे, नियम क्या कहती है। ये अचानक नहीं है, सूचना तो पहले से ही है, सूचना न्यूज़ के माध्यम से गई है, टीवी के माध्यम से गई है, व्हाट्सएप के माध्यम से गई है, पेपर के माध्यम से गई, बैठक भी लिए गए हैं, प्रशिक्षण भी दिए गए हैं, अचानक नहीं है ये। 4 महीना काफ़ी होता है, बहुत लंबा पीरियड होता है, और इनके कारण से ये बतौर सूचना दी गई है कि आपकी मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जा रही है, की जा सकती है और किए जाएंगे। ये फीस निर्धारण हो जाए स्वाभाविक तौर पर, उसके बाद एडमिशन प्रक्रिया की जाएगी।